एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने में विजन आईएएस 2022 के करंट अफेयर्स का अगला लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के जरिए इकोनॉमी के अगले करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। समझते हैं ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना न्यूज में क्यों आ गई। द टू वर्किंग ग्रुप्स सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर टू रिव्यू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबमिटेड देयर रिकमेंडेशन टू रिवर्स The following coverage of the scheme, ठीक है। तो दो वर्किंग ग्रुप सेटअप करे गए थे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। इन ये दोनों जो वर्किंग ग्रुप थे, इनका काम था रिव्यू करना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, और इन्होंने हाल ही में सबमिट करा है अपनी रिकमेंडेशन को ताकि रिवर्स करी जा सके द फॉलोइंग कवरेज ऑफ द स्कीम, ठीक है। इस वजह से ये टॉपिक न्यूज में आ गया था। अब आपके लिए जानना ये जरूरी है, टॉपिक जो न्यूज में रहता होता है वो जरूरी नहीं होता दोस्तों आपके लिए। मेन होता है कि जो टॉपिक न्यूज में रहा है उसके बारे में समझना। तो समझ लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। तो याद रखिए, ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसको लॉन्च करा गया था 2016 में। काफी पुरानी स्कीम है, ठीक है दोस्तों। रिप्लेसिंग द अर्लियर नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो पहले, इससे पहले जो एक स्कीम चलती थी जिसका नाम था नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम, इसको रिमूव कर दिया था, इसको एक तरीके से क्या कहते हैं, रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। द रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इज अनदर फ्लैगशिप इंश्योरेंस स्कीम आल्सो लॉन्च्ड इन 2016। तो याद रखिए, एक और स्कीम लॉन्च करी गई थी जिसका नाम था रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये एक और फ्लैगशिप इंश्योरेंस स्कीम है जिसको 2016 में लॉन्च करा गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों लॉन्च करी गई, इसका एम क्या है? तो इसका एम है सपोर्ट करना सस्टेनेबल प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर सेक्टर में। और कैसे प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये तरीके अपना के। पहला है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स जो कि सफर करते हैं क्रॉप लॉस और डैमेजिंग अराइज आउट ऑफ अनफोर्सिन इवेंट्स। आपको पता है बहुत सारे अनफोर्सिन इवेंट आ जाते हैं जिसकी वजह से फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर है या क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है। दूसरा है स्टेबलाइज करना फार्मर्स की इनकम को ताकि इंश्योर करा जा सके देयर कंटिन्यूस इन द फार्मिंग, ठीक है। बहुत सारे आपको पता है फार्मर जो है बाहर इसलिए निकल जाते हैं एग्रीकल्चर से या फार्मिंग से क्योंकि भाई उनकी स्टेबलाइज इनकम नहीं होती। अगला है एनकरेज करना फार्मर्स को ताकि ये लोग जो है अडॉप्ट कर सके इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। इसके अलावा इंश्योर करना क्रेडिट वर्दिनेस, ठीक है। क्रेडिट वर्दिनेस क्यों नहीं होती फार्मर्स की, क्योंकि आपको पता है उनके पास एक तो लैंड तो कम होता ही है, उसके अलावा उनकी जो क्रॉप है वो भी अच्छे से उगती नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इस्तेमाल करेंगे तो फार्मर्स, तो उनकी क्रेडिट वर्दिनेस भी बढ़ेगी। देख लीजिए, एंश्योरिंग क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ फार्मर्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड एनहेंसिंग ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सारे के सारे एम है, ठीक है। बिसाइड्स प्रोटेक्टिंग फार्मर्स फ्रॉम द प्रोडक्शन रिस्क। अगला है दोस्तों इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। तो दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी जो कि सेलेक्ट करी जाएंगी स्टेट्स के द्वारा, यूनियन टेरिटरीज के द्वारा फ्रॉम द एम्पैनल लिस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज थ्रू बिडिंग। तो बिडिंग प्रोसेस के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करी जाएंगी, तो वही इंश्योरेंस कंपनी जो है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होंगी। अब देख लेते हैं फीचर्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। पहला है इट इज यील्ड इंडेक्स बेस्ड स्कीम, ठीक है, एंड ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एरिया अप्रोच। तो याद रखिए, एरिया वाले अप्रोच के प्रिंसिपल ये ऑपरेट करती है। इन द सेलेक्टेड डिफाइंस एरियाज कॉल्ड इंश्योरेंस यूनिट्स सच एज विलेज और पंचायत लेवल, ठीक है। तो इंश्योरेंस यूनिट क्या हो जाएगा, या तो विलेज होगा या पंचायत लेवल होगा। दूसरा फीचर देख लीजिए, ये इंश्योर करता है फार्मर्स को अगेंस्ट ऑल नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क। तो याद रखिए, जो भी नॉन प्रिवेंटेबल है जिसपे आपको पता है प्रिवेंट नहीं करा जा सकता, जैसे कि डिजास्टर हो गया, फ्लड हो गया, ऐसी चीजें, तो नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क को कवर करता है। फ्रॉम प्री सोइंग टू द पोस्ट हार्वेस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्री सोइंग से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट तक के इंश्योरेंस को कवर करता है। एंड इट इज अ वॉलंटरी फॉर ऑल फार्मर्स। तो अगर वहां पे मैंडेटरी आ जाए ना, तो मैंडेटरी शब्द गलत हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिए वॉलंटरी है सिंस खरीफ 2020। अर्लियर इट वॉज कंपल्सरी फॉर लोनी फार्मर्स बाय द बैंक्स। तो पहले जो होता था ये कंपलसरी होती थी स्कीम लेना, किसके द्वारा, जो भी लोनी फार्मर्स होते थे बैंक के द्वारा, उनके द्वारा ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है कंपलसरी लेनी होती थी, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे सीजन्स लिखे हैं, यहाँ पे क्रॉप्स कवर्ड, और यहाँ पे मैक्सिमम इंश्योरेंस चार्जेस पेबल बाय फार्मर्स कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है सीजन में, खरीफ सीजन में ऑल फूड ग्रेन्स एंड ऑयल सीड जो क्रॉप्स है वो कवर करी गई है, ऑल सीडर्स मिलेट्स पल्सेस और ऑयल सीड, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मैक्सिमम इंश्योरेंस चार्जेस पेबल बाय फार्मर्स कितना है, 2%
2.0% ऑफ द SI और एक्चुअल रेट, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कितना रेट है, क्योंकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं पूछा जाएगा कि कौन से सीजन में कौन सी कवर है। ऑल फ्रूड ग्रेन्स एंड ऑयल ऑयल क्रॉप्स, तो ये तो मैं आपसे पढ़वा रहा हूँ, डिटेल में इतना कोई नहीं पूछेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। खरीफ और रवि में एनुअल कमर्शियल एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप देख लीजिए। ऑल्सो अट सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, ये तैयार करा जाएगा, ठीक है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल इसी स्कीम के तहत, इट इज मेड फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स टू स्पीड अप डिलीवरी, यूनिफाई फ्रेगमेंटेड डाटाबेस एंड एलिमिनेट मैनुअल प्रोसेसेस फॉर फास्टर इंश्योरेंस सर्विस टू द फार्मर्स, ठीक है। अभी जो ज्यादा काम होता है वो मैनुअल तरीके से होता है, तो मैनुअल प्रोसेस को एक तरीके से एलिमिनेट करना और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का सारा इस्तेमाल करना। दो रिसीव्ड वेल बाय द फार्मिंग कम्युनिटी कवरिंग 567.2 लाख हेक्टेयर ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया, तो देखिए इतने क्रॉप एरिया को, ग्रॉस क्रॉप एरिया को ऑलरेडी इस स्कीम के तहत कवर करा जा चुका है। और परसेंटेज में बात की जाए तो 30% इन द फर्स्ट ईयर 2016-17, तो पहले 2016-17 में जब लॉन्च करी गई थी तो 30% को कवर कर लिया था एरिया को अक्रॉस 27 स्टेट और यूटीज। द कवरेज अंडर द स्कीम इज डिक्लाइनिंग सिंस देन, लेकिन उसके बाद देखा गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो कवरेज है वो डिक्लाइन होता गया। शुरुआत के समय में, मतलब पहले साल में, तो काफी बढ़िया कवरेज देखा गया था। इन टर्म्स ऑफ फार्मर्स की बात करी जाए तो आउट ऑफ नियरली 140 मिलियन फार्मर्स फैमिलीज इन द कंट्री फॉर द लास्ट 3 इयर्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एनरोलमेंट हैज नॉट क्रॉस 20 मिलियन। तो सोचिए भारत में इतने सारे फार्मर्स है, 140 मिलियन प्लस फार्मर्स फैमिलीज हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा जाए, लास्ट 3 इयर्स में एनरोलमेंट रेशो जो है 20 मिलियन को भी क्रॉस नहीं कर पाया है। रीजंस क्या है भाई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा एक तरीके से पुअर परफॉर्म कर रही है, तो इसके रीजन देख लीजिए, ठीक है। रीजन बिहाइंड पुअर कवरेज डिस्पाइट इनिशिएटिव, पहला है दोस्तों नॉन इम्प्लीमेंटेशन सस्पेंशन ऑफ द स्कीम बाय सम स्टेट्स। तो ऑब्वियसली कुछ स्टेट जो है सस्पेंस करते हैं स्कीम को लेकर, बिकॉज ऑफ मोर देन 6-fold इंक्रीज इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम इंक्रीजिंग सब्सिडी लायबल ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली प्रीमियम जो है वो आप बढ़ाए जा रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग सब्सिडी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट भी जो है बढ़ती जा रही है। देख लीजिए स्टेट्स लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा हैव डिसकंटिन्यूड इट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स विद सम स्टार्टिंग देयर ओन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्टेट्स ने एलिमिनेट कर दिया और खुद की ही एक तरीके से इंश्योरेंस स्कीम निकाल दी है। एक और रीजन देख लीजिए, डिलेज इन सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स क्लेम। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिले होता है क्या किस चीज में, फार्मर्स के सेटलमेंट क्लेम, फार्मर्स के क्लेम को सेटलमेंट करने में, ड्यू टू वेरियस रीजन। कौन कौन से रीजन है, लाइक डिलेज इन पेमेंट ऑफ स्टेट्स शेयर ऑफ सब्सिडी, दूसरा है डिलेज इन क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट और डिले इन प्रोसेसिंग क्लेम्स बाय इंश्योरेंस कंपनी, इन सब में बहुत ज्यादा डिले होता है, ठीक है। सीसीई के बारे में जान लेते हैं, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड जस्ट बिफोर हार्वेस्ट टू असेस क्रॉप लॉस बाय एस्टिमेटिंग एवरेज यील्ड ऑफ द ऑल नोटिफाइड क्रॉप्स इन द नोटिफाइड इंश्योरेंस यूनिट, ठीक है। तो याद रखिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट बिफोर हार्वेस्ट करा जाता है और इसके जरिए असेस करा जाता है क्या, क्रॉप लॉसेस को, बाय एस्टिमेटिंग एवरेज यील्ड ऑफ ऑल नोटिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। बट इट सफर्स फ्रॉम द इशू ऑफ रिलायबिलिटी, तो याद रखिए इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। पहला है रिलायबिलिटी का, लैक ऑफ फंड्स का एंड ट्रेंड प्रोफेशनल्स का, हाई टाइम कंजम्पशन का और लेबर इंटेंसिव, तो ये सारे के सारे इशू जुड़े हुए हैं किससे, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से। और देख लीजिए रीजंस क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पुअर परफॉर्म करने को लेकर, दूसरा है लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इन सर्टेन क्लस्टर्स लाइक स्मॉल स्टेट्स और यूटीज ड्यू टू लो कवरेज, एग्जाम्पल त्रिपुरा और मेघालय देख लीजिए, एंड इन बिग क्लस्टर्स लाइक महाराष्ट्र ड्यू टू हायर रिस्क लेवल सम इंश्योर्ड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस स्कीम्स हैज ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम 19 टू 11 कंपनीज इन खरीफ 2021। तो सोचिए इतने कम कंपनी जो है इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि इन्हें भी पता है दोस्तों कुछ कुछ कंपनी वो देखती है कि भाई जो कुछ कुछ स्टेट्स है जैसे कि त्रिपुरा मेघालय यहाँ पे बहुत ज्यादा लो कवरेज है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं महाराष्ट्र जैसे वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, तो इस वजह से भी जो कंपनीज है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। अगला देख लीजिए लिमिटेड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कम कराई जाती है ऑफ स्टेक होल्डर्स टू रिमूव एफिशिएंसी इन द नॉलेज एंड सर्विसेज व्हिच इज वाइटल फॉर एफिशिएंट क्लेम इन सेटलमेंट प्रोसेस। इट बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट ड्यू टू मल्टीपल लेयर्स ऑफ हायरार्की, ठीक है, विद इन ईच स्टेक होल्डर विद डिफरेंट ट्रेनिंग नीड्स। तो ऑब्वियसली बहुत सारा मल्टीपल लेयर ऑफ हायरार्की है, जिसकी वजह से आपको पता है जब हायरार्की बहुत ज्यादा होगी तो उनके हिसाब से जो ट्रेनिंग की जरूरत है वो भी अलग अलग होंगी। कुछ और भी रीजंस है जैसे कि अनाउंसमेंट ऑफ डेप्ट वेवर स्कीम्स बाय स्टेट्स। आपको पता है बहुत सारे स्टेट जो है ऐलान कर देते हैं कि हम जो है
डेप्ट जो भी है फार्मर्स का उसको माफ कर देंगे, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है कोई लेना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है स्टेट जो भी नई सरकार बनेगी स्टेट में वो हमारे फेवर है, वो माफ कर देगी, तो हमें क्या लेने की जरूरत है। लिमिटेड पब्लिसिटी एंड अवेयरनेस ऑन द स्कीम, ये भी दूसरा कारण है। ड्यू टू लो लिटरेसी, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेजोरिटी फार्मर्स अमंग अदर्स, तो ये सारे के सारे रीजन है। अब देख लेते हैं कौन कौन से रीसेंट स्टेप्स और रिकमेंडेशन एक तरीके से दिए गए हैं किसके द्वारा, वर्किंग ग्रुप्स के द्वारा। पहला है, रिसेंटली टू सपोर्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इम्प्लीमेंटेशन, अ नेशनल टेक्निकल सपोर्ट यूनिट जिसको NTSU शॉर्ट में कहा जाता है, हैज बीन सेट अप विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो याद रखिए इसी के अंदर ये सेटअप करा गया है, और किस लिए सेटअप करा गया है, फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज, इन सब कामों के लिए सेटअप करा गया है। एक MOU हाल ही में साइन करा गया है किसके साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, एज वेल एज टू प्रोवाइड रिस्पॉन्सिव डिमांड ड्रिवन टेक्निकल सपोर्ट ऑन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो याद रखिए डिमांड ड्रिवन और टेक्निकल सपोर्ट और रिस्पॉन्सिव सपोर्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ एक MOU साइन करा गया है। द टू वर्किंग ग्रुप्स हैव ऑल्सो रिकमेंडेड स्टेप्स टू एड्रेस स्पेसिफिक इशू। तो दोस्तों इन दोनों ने मिलकर कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी इशू करी है, वो भी देख लीजिए। पहला है कवरेज, टारगेटेड प्रीमियम सब्सिडीज फॉर ऑल स्मॉल फार्मर्स टू इंक्रीज पेनिट्रेशन एंड ब्रिंग डाउन द एवरेज प्रीमियम रेट्स विद द यूनिफॉर्म कवरेज। तो इन्होंने बोला ऑब्वियसली हम लोगों को टारगेटेड प्रीमियम के जरिए हम लोगों को एवरेज प्रीमियम रेट्स हैं उनको थोड़ा नीचे लाने की जरूरत है। दूसरा, ओवरकमिंग डिलेज, हम लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा, एम्पावर सेंटर टू लिवाई पेनल्टी, ठीक है, ऑन स्टेट्स फॉर डिले इन सब्सिडी सेटलमेंट। तो सेंटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि वो जो है स्टेट्स को पिनलाइज करे अगर कोई भी स्टेट जो है डिले कर रहा है सब्सिडी सेटलमेंट में, और एडजस्ट सच सब्सिडीज अगेंस्ट अदर लाइबिलिटीज। और अगर और क्या सेंटर स्टेप उठा सकती है, सेंटर जो है एडजस्ट कर सकती है ऐसी सब्सिडीज को अगेंस्ट अदर लाइबिलिटीज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग डाटा एंड वेदर डाटा एक्सटेंसिवली फॉर फास्टर एंड मोर एक्यूरेट क्रॉप यील्ड असेसमेंट। तो इन सब लोगों का, इन सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि रिमोट सेंसिंग डाटा और वेदर डाटा, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फास्टर और एक्यूरेट क्रॉप यील्ड असेसमेंट भी करा जा सके। जब क्रॉप यील्ड असेसमेंट करा जा सकेगा ऑब्वियसली तो ये फायदा पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। अदर स्टेप्स टू इंप्रूव प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और देख लीजिए पहला स्टेप लिया गया है स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर हैसल फ्री एंड फार्मर फ्रेंडली डिलीवरी ऑफ स्कीम, जैसे कि देख लीजिए फंक्शनल ऑफ ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन ईच तहसील एज मैंडेटेड बाय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो फंक्शनल ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी सेटअप करा गया है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू असेस यील्ड एंड लॉसेस शुड बी सपोर्टेड बाय एक्शंस टू गेन फार्मर्स ट्रस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है इवेल्युएट इंश्योरेंस कंपनीज परफॉर्मेंस, तो ये भी हम लोगों को स्टेप उठाने की जरूरत है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इनको रेगुलर बेसिस पे हम लोगों को इवेल्युएट करने की जरूरत है। एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग कंपनीज टू कंप्लीट पेनलाइजेशन विद इन द फिक्स्ड टाइम फ्रेमवर्क, तो हम लोगों को ऑब्वियसली जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनमें भी सुधार करने की जरूरत है। एक और देख लीजिए वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, जैसे कि मॉनिटरिंग The companies to requirement of expenditure of 0.5% of gross premium as per company per season for the publicity and awareness, ये देख सकते हो monitoring के लिए। अगला utilization CSR fund है ना, capital social responsibility वाला fund जो है इसको utilize कर सकते हो from the profits of insurance companies from प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना in the states district towards the development of rural areas and respective state districts। अगला way forward में या other step जो बोल सकते हो कि इंप्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर लिया जाना चाहिए, वो है लिंकिंग क्रॉप इंश्योरेंस विद क्लाइमेट चेंज। तो हम लोगों को क्रॉप इंश्योरेंस को क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक करना चाहिए एंड रीडिजाइन करना चाहिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट को टू मेक देम नॉट जस्ट रिस्क ट्रांसफर टूल्स बट अ टूल टू रिड्यूस द रिस्क एंड लॉस ऑफ क्रॉप्स। अगला है ऑफरिंग इंश्योरेंस एज प्रायोरिटी इंश्योरेंस ऑन द लाइंस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो दोस्तों हम लोगों को इंश्योरेंस जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के आधार पर इशू करना चाहिए, कैन इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इन द रूरल एरियाज। अगला है कंपीटिंग प्राइसिंग, बाय हैविंग एटलीस्ट टू इंश्योरेंस कंपनीज इन अ क्लस्टर टू हेल्प फार्मर बेनिफिट फ्रॉम द कंपिटेटिव प्राइसिंग फॉर द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ऑब्वियसली आपको पता है अगर आप एक ही इंश्योरेंस कंपनी खोल रहे हो किसी रूरल एरिया में तो लोगों के पास जो फार्मर्स हैं उनके पास कंपिटिटिंग प्राइस नहीं होता, तो एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट दो इंश्योरेंस कंपनीज हो ताकि फार्मर एक की जगह दूसरी कंपनी के पास भी जा सके, ठीक है, जहां पे उसको प्राइस अच्छा लगे इंश्योरेंस का। एक सेकंड दोस्तों,
यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लिखी हुई है, वो भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया। भाई भारत में क्रॉप का इंश्योरेंस करना इतना क्यों जरूरी है, देख लीजिए। हाई परसेंटेज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आपको पता है भारत में जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, 86% से सोचिए। फार्मर्स विद लेस देन 2 acres ऑफ लैंड विद द लिमिटेड कैश सरप्लस, तो भारत में 86% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 2 acres से भी कम जमीन है, तो ऑब्वियसली जिसकी वजह से क्या होता है इनके पास बहुत ही कम कैश सरप्लस होता है, इस वजह से इनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है किसकी, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की। अगला है हाई वल्नरेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू वैगरीज ऑफ मॉनसून एंड क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स, हैवी रेन्स, डेफिशिएंट रेन, तो ऑब्वियसली आपको पता है क्लाइमेट को लेकर भी बहुत सारा मतलब दिक्कतें आती रहती है भारत में एग्रीकल्चर को लेकर, अगर रेन अच्छी हो गई तो अच्छी से फसल हो जाती है, इसके अलावा बहुत सारा क्लाइमेट आ रहा है जैसे कि आपको पता है हीट वेव चलती है, ये चीजें भी बहुत सारे क्रॉप्स को डैमेज कर देती हैं, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है इंश्योरेंस। अगला है राइजिंग क्रेडिट नीड्स ऑफ द एग्रीकल्चर विद लिमिटेड फॉर्मल क्रेडिट बेनिफिट ड्यू टू राइजिंग डिफॉल्ट रिस्क ऑन द अकाउंट ऑफ इंक्रीज्ड क्रॉप फेलियर, आपको पता है फार्मर्स का बहुत ज्यादा क्रॉप फेलियर होता है, अब भाई ज्यादा क्रॉप फेलियर होगा तो बैंक्स का भी ज्यादा रिस्क होगा, तो इस वजह से बहुत बार देखा गया कि जो है राइजिंग डिफॉल्ट रिस्क देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो फॉर्मल नीड्स हैं फार्मर्स की इंश्योरेंस को लेकर या क्रेडिट को लेकर वो काफी कम हो रही है, क्योंकि बैंक्स भी जानते हैं कि भाई इनका लेकर काफी रिस्क जुड़ा हुआ है, इसलिए दोस्तों जो है राइजिंग क्रेडिट नीड्स देखी जा रही है ऑफ एग्रीकल्चर विद लिमिटेड फॉर्मल क्रेडिट बेनिफिट ड्यू टू राइजिंग डिफॉल्ट रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज्ड क्रॉप फेलियर। अगला टॉपिक है वो है ई श्रम पोर्टल, इसके बारे में समझ लेते हैं ई श्रम पोर्टल न्यूज में क्यों आ गया। लेटेस्ट गवर्नमेंट डाटा अबाउट ई श्रम पोर्टल हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया एज वेल एज शार्प डिस्पैरिटीज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, आपको पता है अभी ई श्रम पोर्टल लॉन्च करा गया था, और ई श्रम पोर्टल के जरिए अगर आपने भी कार्ड बनवाया है तो आपको पता होगा कि इसके जरिए अनऑर्गेनाइज्ड जो भी या इनफॉर्मल वर्कर जो है उनका डाटा इकट्ठा करा जा रहा है, गवर्नमेंट डाटा इकट्ठा करा रही है, कर रही है, और उनको एक इन्फो ये ई श्रम जो है एक कार्ड भी इशू करा जा रहा है, तो इसके जरिए सरकार को पता चला कि भारत में जो इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनकी उनमें कितनी डिस्पैरिटी है, ठीक है, उनकी हालत कैसी खस्ता है, ये सब कुछ देखा गया है, इस वजह से ये टॉपिक न्यूज में आ गया है। समझते हैं ई श्रम पोर्टल के बारे में, इसको लॉन्च करा गया था किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री का नाम आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली ई श्रम है तो लेबर मिनिस्ट्री ही लॉन्च करेगी। कब लॉन्च करा गया था, अगस्त 2021 में, फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ ईपीएफओ और ईएसआई, तो याद रखिए जो भी इंश्योरेंस जिनको मिलता है या पीएफ जिस बंदे का भी कटता है फॉर्मल सेक्टर में, उनको छोड़कर जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स लगे हुए हैं उनका डाटा इकट्ठा करा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई ई श्रम पोर्टल का, ऑब्जेक्टिव सिंपल है, क्रिएट करना एक सेंट्रलाइज डाटाबेस सारे के सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर, माइग्रेंट वर्कर्स, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इन स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, इन सभी का दोस्तों, एग्रीकल्चर वर्कर्स, इन सभी का डाटा इकट्ठा करना, ठीक है, और उसको सीड करना आधार कार्ड के साथ, आधार के साथ लिंक कर देना आधार कार्ड के साथ। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट, ये जो है रिक्वायर होते हैं बाय द वर्कर्स टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल, ये तीन चीजें चाहिए अगर आपको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इंप्रूव करना इंप्लीमेंटेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज, आपको पता है कोरोना के बाद ही, जब कोरोना लगा, लॉकडाउन लगा, उसके बाद ही सरकार को मतलब दिमाग में ख्याल आया कि हम लोगों को इनफॉर्मल जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि भाई इनफॉर्मल वर्कर को लेकर ना तो डाटा है अच्छे से सरकार के पास, ना ही कुछ है, तो इनफॉर्मल वर्कर को लेकर कुछ बेनिफिट ही नहीं पहुंचा पा रही थी सरकार कोरोना के टाइम पे, क्योंकि डाटा ही नहीं है, तो इसलिए दोस्तों ये डाटा इकट्ठा करा जा रहा है ई श्रम पोर्टल के जरिए, ताकि इंप्लीमेंट करा जा सके एफिशिएंसी ऑफ सोसाइटल सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। इंटीग्रेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मेंट फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सब्सिक्वेंटली दोज रन बाय अदर मिनिस्ट्री एज वेल, ठीक है। अगला है शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, तो ऑब्वियसली डाटा इसीलिए तो इकट्ठा कर रही है सरकार, ताकि जो डाटा है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का वो अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ शेयर करा जा सके, सच एज मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, बोर्ड्स और एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, इनके साथ डाटा शेयर करा जाएगा थ्रू APIs फॉर डिलीवरी ऑफ वेरियस सोशल सिक्योरिटीज और वेलफेयर स्कीम्स, तो आपको पता है सरकार जो है बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाती है, वेलफेयर स्कीम चलाती है, तो उनका फायदा इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को भी पहुंच सके, तो इसके लिए डाटा शेयर करा जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, पोर्टेबिलिटी ऑफ द सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बेनिफिट्स, तो दोस्तों जो भी
सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट या वेलफेयर स्कीम चलाती है उसको पोर्टेबल करा जा सके। ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई बंदा दिल्ली में रह रहा है तो उसी को बेनिफिट मिलेगा, नहीं नहीं अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है दिल्ली में रह रहा है या यूपी में रह रहा है कहीं भी रह रहा है उसको सोशल सिक्योरिटी का जो भी बेनिफिट है उसको मिल सके। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ कंप्रेहेंसिव डाटा बेस्ड टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर टैकलिंग एनी नेशनल क्राइसिस लाइक कोविड-19 इन फ्यूचर। ऑब्वियसली मैंने बताया ना कोविड-19 के दौरान तब सुध आई सरकार को कि हम लोगों को अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए भी कुछ करना चाहिए। अदर फीचर्स देख लेते हैं ई श्रम पोर्टल के। पहला फीचर है एनी वर्कर हु इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड एज्ड बिटवीन 16 to 59, या एज याद कर लीजिए 16 से 59, ये एलिजिबल है कि ये बंदा रजिस्टर कर सकता है ई श्रम पोर्टल पे। एज याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इशू कराया जाएगा उसको देखिए, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड जब बनवाते हैं आपके पास पैन नंबर आ जाता है, ऐसे ही जब वो ई श्रम पोर्टल पे जाके ई श्रम कार्ड बनवाएगा तो उसके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आ जाएगा जो कि 12 डिजिट का होगा। यूनिक नंबर इज इशूड टू ईच अनऑर्गेनाइज वर्कर आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम पोर्टल। UAN नंबर विल बी परमानेंट नंबर, तो याद रखिए ये एक परमानेंट नंबर होगा, एक बार अगर आपने असाइन कर दिया ये आपको असाइन हो गया, इट विल रिमेन अनचेंज्ड फॉर वर्कर्स लाइफ टाइम। ठीक, लाइफ टाइम के लिए, जैसे कि पैन कार्ड बन जाता है ना, आधार कार्ड बन जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम पोर्टल इज फ्री, कोई कंपलसरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि कंपलसरी है, नहीं कंपलसरी नहीं है, फ्री है। वर्कर रजिस्टरिंग विद द ई श्रम पोर्टल विल गेट एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ 2 लाख, देख लीजिए जो भी बंदा जो भी वर्कर है अपने आप को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करवा रहा है तो उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा 2 लाख का अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, एंड प्रीमियम फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी बोर्न बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो ठीक है, पहले साल का जो प्रीमियम है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा बोर्न करा जाएगा। द पर्सन शुड बी बिटवीन 18 to 59 ईयर्स टू एलिजिबल फॉर प्रधानमंत्री, ये किसके द्वारा, ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना के तहत एलिजिबल होने के लिए एज क्या होनी चाहिए 18 से 59। आपने ये स्कीम पढ़ रखी होगी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। What the latest data highlights, तो दोस्तों जो भी ई श्रम के जरिए अभी डाटा इकट्ठा करा गया है वो डाटा क्या हाईलाइट करता है देख लीजिए। पहला है मेजर चंक ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज लिविंग अंडर पॉवर्टी, तो इस डाटा जो इकट्ठा करा गया ई श्रम पोर्टल के द्वारा इसमें बताया गया कि ज्यादातर जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो अंडर पॉवर्टी में जी रहे हैं। ओवर 94% ऑफ द 28 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल हैव मंथली इनकम ऑफ ₹10,000 और बिलो, व्हाइल 4.36% हैव द मंथली इनकम बिटवीन 10,000 to 15,000। सोचिए जो 28 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स का डाटा इकट्ठा करा गया इसमें से 94% ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी इनकम 10,000 से कम है, मात्र 4.36% ऐसे वर्कर्स हैं जिनका इनकम 10 से 15,000 है। अगला देख लीजिए क्या फाइंड किया गया इस डाटा में। दूसरा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ओवर 74% ऑफ द एनरोल्ड वर्कर्स बिलो बिलोंग्स टू SC ST OBC। सोचिए 74% जो एनरोल्ड वर्कफोर्स है वो कौन से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, और इनका शुरुआत से ओबीसी समाज में बहुत दर्जा काफी कम है, लेकिन देखिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनमें भी इनका परसेंटेज काफी देखा गया है। लो इनकम प्रिवेंट्स इंप्रूवमेंट इन देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स विच प्रिवेंट्स देयर अपवर्ड मोबिलिटी इन द सोसाइटी। ऑब्वियसली सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आपने ये शब्द जो है सोशियोलॉजी में सुना होगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब था सोसाइटी में आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, आपको पता ना सोसाइटी में अपर क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास ऐसे क्लासेस बनी हुए, तो ऑब्वियसली जब आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो तो आपके पास बहुत कम चांसेस बनते हैं कि आप अपर वाली जो क्लास है उसमें आ सको क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। अगला है अनटैप्ड डेमोग्राफिक पोटेंशियल, एज वाइज एनालिसिस ऑफ डाटा शोज दैट 61.72% ऑफ द रजिस्टर्ड वर्कर्स ऑन द पोर्टल आर ऑफ द एज फ्रॉम 18 to 40 years। तो सोचिए 60% जो मतलब जो जिस बंदों ने भी रजिस्टर कराया ई श्रम पोर्टल पे उनकी एज 18 से 40 साल है, तो इसका मतलब है हम डेमोग्राफिक पोटेंशियल को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। दिस शोज द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज यंग जनरेशन इन्वॉल्व्ड इन लो स्किल वर्क हैम्परिंग कंट्रीज रियलाइजेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम लोग काफी बार बात करते हैं कि हम लोगों के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा है उसको यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन सोचिए ना इतने सारे बंदे जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और उनके पास स्किल नहीं है तो ये कहाँ से हम यूटिलाइज कर पाएंगे। परसिस्टिंग जेंडर डिवाइड, जेंडर एनालिसिस शो दैट 53% ऑफ द रजिस्टर्ड वर्कर्स आर फीमेल। सोचिए 53% जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है वो फीमेल है, जो कि हाईलाइट करता है ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो इससे हमें पता चलता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किसका है, वुमेन का, और वुमेन अगर इनफॉर्मल सेक्टर में, इससे हमें यह भी पता चलता है कि उनके पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते होंगे। रूरल अर्बन डिवाइड भी देखा गया, देख लीजिए ऑक्यूपेशन वाइज बात करी जाए तो एग्रीकल्चर इज एट द टॉप 52.11% ऑफ द एनरोलमेंट्स। तो जितने भी एनरोलमेंट करे गए हैं उसमें से 52% जो है वो किसमें ऑक्यूपेशन में, वो एग्रीकल्चर वाले ऑक्यूपेशन में है। ठीक है,
डन बाय दोज रिलेटेड टू द फार्म सेक्टर फॉलोड बाय डोमेस्टिक और हाउसहोल्ड वर्कर्स। उसके बाद देखिए सबसे नंबर पे तो मैंने बता दिया फार्म सेक्टर में इंक्लूडेड है, उसके बाद डोमेस्टिक पे, उसके बाद हाउसहोल्ड वर्कर्स पे। दीज आर द सेक्टर्स दैट मोस्टली कंप्राइज ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द रूरल एरियाज। और इन जो सेक्टर्स हैं इनमें ज्यादातर जो वर्कर्स होते हैं डोमेस्टिक एरिया, सॉरी डोमेस्टिक बोल रहा हूँ, रूरल एरिया से आते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं टू सपोर्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से सरकार ने इनिशिएटिव लिए गए हैं। पहला है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसको सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन कहते हैं। इसके लिए दोस्तों सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो है एक तरीके से पैकेज अनाउंस करा था, ताकि केटर का उसके टू वेरियस सेक्शन इंक्लूडिंग कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमईज, लेबरर्स, मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज और अमंग अदर्स, इन सभी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए 20 लाख करोड़ का अमाउंट जो है केटर करा गया था। दूसरा इनिशिएटिव प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही है, इसके जरिए प्रोटेक्ट करा जा रहा है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को हु परफॉर्म वर्क लाइक स्ट्रीट वेंडर्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क्स, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स, वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज ऑफ लेदर हैंडलूम। ठीक है, तो इनके द्वारा इन सारे वर्कर्स को मदद करी जा रही है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। अगला है लेबर कोड्स भी सरकार ने बनाए हैं, बहुत सारे जो लेबर कोड्स हैं उनको सिंप्लीफाई करा है कंट्री में, आर्किक लेबर लॉज एंड गिव इम्पीटस टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट कम्प्रोमाइजिंग विद द वर्कर्स बेनिफिट। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना चलाई है सरकार ने, ताकि क्रिएट कर सके एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 12% EPF में फॉर द एम्प्लॉयज फॉर द 3 years। तो इसलिए इस तरीके से भी जो है सरकार बेनिफिट पहुंचा रही है अनऑर्गेनाइज वर्कर को। पीएम स्वनिधि, ये तो आपको पता है कोरोना के बाद ही लॉन्च करी गई थी। माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, और ये क्या है पीएम स्वनिधि, इसको लेकर मेरे ख्याल से अभी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिए, ये स्ट्रीट वेंडर्स को, हॉकर्स को, ठेले वाले पीपल एंड पीपल इन्वॉल्व इन गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू टेक्सटाइल अपेरल आर्टिशियंस प्रोडक्ट्स, बार्बर शॉप्स, बाउंड्री सर्विसेज, इनको क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, क्रेडिट प्रोवाइड करा जाएगा, माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, अगला है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये तो काफी पुरानी मिशन है। इसके जरिए अपलिफ्ट करा जाता है अर्बन पुअर को बाय एनहेंसिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट। एक और देख लीजिए, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च करी गई थी, इसके जरिए आपको पता है फूड ग्रेन्स को सप्लाई करा जाता है माइग्रेंट्स और पुअर लोगों को। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चलाई है सरकार ने, जिसके तहत दोस्तों जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं, अगर वो यूपी से माइग्रेंट होकर दिल्ली जाते हैं तो वहां पे भी उनको राशन मिल सके। ठीक है, पहले क्या होता है आपका अगर राशन कार्ड जो है किसी एक स्टेट का है, यूपी का है, तो यूपी में ही आपको राशन मिलता था, लेकिन अब वन नेशन वन कार्ड के जरिए आप कहीं पे भी राशन ले सकते हो। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये भी सरकार ने चलाई है फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक रिकवरी फेज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके जरिए दोस्तों क्या करा जा रहा है, टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स इन प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट्स टू एंश्योर प्रॉपर क्रॉप हेल्थ अप्रोप्रिएट यील्ड्स। ऑब्वियसली इसके जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार जो पैसा देके मदद करती है फार्मर्स की, वो लोग जो है फार्मर जो है प्रॉपर क्रॉप हेल्थ और अप्रोप्रिएट यील्ड्स को मैनेज करने के लिए वेरियस इनपुट्स को खरीद सके। ठीक है, कमेंसरेट विद द एंटिसिपेटेड फार्म इनकम एट द एंड ऑफ ईच साइकिल। तो दोस्तों वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, ई श्रम को लेकर जो भी आपने अब तक पढ़ा है इसको लेकर आप वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर इज बैकबोन ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऑब्वियसली हमारी रीड की डी इनफॉर्मल सेक्टर। द नेशंस क्वालिटी ऑफ लाइफ हिंजेस ऑन द थिंग्स बिकमिंग बेटर फॉर द मासेस ऑफ इनफॉर्मली एम्प्लॉयड पीपल। इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर अज्यूम्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर जो भी बंदे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जुड़े हुए हैं, आप उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ काम करते हो, इसका मतलब क्या है, सरकार जो है इंक्लूसिव ग्रोथ के प्रति वर्क कर रही है। नीड ऑफ द आवर इज टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट वेरियस इनिशिएटिव। तो पहला नीड ऑफ द आवर यही है कि जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट कराया जा सके, और जो भी वर्कर्स हैं उनकी अपस्किलिंग करी जा सके। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन की इम्पार्ट करना चाहिए नेसेसरी प्रोफिशिएंसी टू यंग इंडिविजुअल्स। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की, इसको देख लेते हैं क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए ना अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर किसे कहते हैं। तो याद रखिए, एनी वर्कर हु इज अ होम बेस्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और अ वेज वर्कर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, including a worker in the unorganized sector who is not a member of ESIC। तो याद रखिए, जो भी बंदा ESIC का
या ईपीएफओ का मेंबर नहीं है और नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उस बंदे को हम ऑर्गेनाइज्ड वर्कर बोलते हैं। ठीक है, अदर चैलेंजेस फेस्ड बाय द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, तो बहुत सारे कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे जाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के द्वारा, वो देख लीजिए। पहला है लिमिटेड सेविंग्स और कैपिटल अवेलेबिलिटी, ये है। दूसरा है हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल रिस्क बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, जॉब इनसिक्योरिटी होती है आपको पता है, लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर इनके पास होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर इन्फॉर्मलाइजेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं होती, लैक ऑफ एक्सपोजर टू द न्यू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आपको पता है इनके पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्किल नहीं होती, इस वजह से हैंडल नहीं कर पाते, एब्सेंस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो ये सारे के सारे इश्यूज फेस करे जाते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स के द्वारा। ठीक है, न्यूज इन शॉर्ट्स, ये हमारा अगला टॉपिक बच गया है दोस्तों, इसको हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।